पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राज मंगल यादव की राजधानी लखनऊ में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बता दें कि राजमंगल यादव रविवार सुबह अपने आवास से मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव रविवार सुबह लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इस दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें घायल अवस्था में KGMU में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर जैसे ही बलिया में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली, वहां पर शोक की लहर दौड़ गई। सपा जिला अध्यक्ष सुशील पांडे कान्हा ने बताया कि राजमंगल यादव साल 2019 से अब तक बलिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे। इससे पहले 2006 में राजमंगल यादव जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मूल रूप से बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र के बिसुकिया गांव के रहने वाले राजमंगल यादव काफी मिलनसार थे। यही कारण रहा कि वो सपा मुखिया अखिलेश यादव के भी काफी करीबी माने जाते थे। सपा जिला अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने घटना पर गहरा दुख प्रकट करते हुए बताया कि राजमंगल यादव ने ही उनको समाजवादी पार्टी से जोड़ा था। राजमंगल यादव पार्टी के प्रति हमेशा निष्ठावान रहे और पार्टी को जिले में कैसे मजबूत किया जाए हमेशा यही सोचा करते थे। इंटरनेट 427 लाइव टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट।